कोरोना काल की लंबी मंदी के दौर के बीच धनतेरस के त्योहार की हरोर धूम देखने को मिली। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक वर्ग भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करते दिखे तो आमजन बाजार में खरीदारी करने में निकले। दिवाली से दो दिन पहले बाजार में रौनक देखने को मिली। हालांकि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष बाजार में लोगों की भीड़ तो कम थी, लेकिन कोरोना काल की लंबी मंदी के बाद बाजार में रौनक लौटने से हर वर्ग के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। लोग बाजार में खरीदारी करने को निकले, खासकर ज्वेलर्स और बर्तनों की दुकान पर रौनक दिखाई दी। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा, चांदी का सिक्का खरीदने से और उनकी पूजा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। वहीं इस दिन नए बर्तन खरीदने का भी खास महत्व है, खासकर पीतल और तांबे के बर्तन खरीदे जाते हैं। हालांकि कोरोना के चलते लोग बाजार में कम खरीदारी करने निकले, मगर व्यापारी वर्ग इससे खुश दिखा, क्योंकि पिछले 7 महीने में मंदी के जिस दौर से गुजरे उसे हिंदुओं के इन बड़े त्योहारों ने अब कुछ कम करने का प्रयास किया। धनतेरस एक दिवाली के 2 दिन पहले का त्यौहार है जी। ये लोग ग्रह खाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और दिवाली के दिन पूजा करते हैं और ग्रह चांदी का सिक्के वगैरह ले आते हैं, उसकी दिवाली के टाइम पूजा करते हैं। आज हम यहाँ बर्तनों की शॉप के ऊपर, धनतेरस के त्यौहार के ऊपर, हम यहाँ पे पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन की खरीदारी करने के लिए आए हैं। और ये आज जो धनतेरस का त्यौहार है, इसके ऊपर जो हमारे तांबे के और पीतल के बर्तनों के लिए खरीदारी बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए इसके ऊपर हमको जो तांबे के सिक्के या तांबे के कुछ भी है, बर्तन वगैरह, लोटा वगैरह जो भी है, वो हम आज खरीदना लगे। धनतेरस के ऊपर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए हम हर साल कुछ ना कुछ चांदी का लेकर जाते हैं। भगवान की पूजा करते हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। चांदी का सामान वगैरह या कुछ रखकर उनकी पूजा करना हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार है हमारे हिंदुओं का बहुत उच्च लेवल पे गिना जाता है। हम सभी हिंदू भाई इसको बड़े उमंग से मनाते हैं। इसके ऊपर हमारे जो बहन भाई आते हैं, पित्तल और तांबे की चीज़, सोना और चांदी, इसके ऊपर बड़ा महत्व रखते हैं, इसको खरीदते हैं। परमात्मा सभी को सतबुद्धि, धनतेरस के ऊपर सभी को मालोमाल करे, सभी को सुख शांति दे।